तुलसी के खिलाफ मैंने शिकायत लिखवाई है तेरे तरफ से। आपने लिखवाई? आई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन 21 साल तक उस औरत ने मुझे अपने सीने से लगा के पाला है। आबा साहब ने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए। इसमें तूने लिखा है, कंप्लेंट की है कि तेरी बेटी आराध्या को उसकी सास परेशान करती है और इसलिए वो इस घर में रहने के लिए आ गई। हम तुलसी को जेल जाती हुई देखना चाहते। बहुत बड़ा खेल खेल गई वो कुमुदिनी। जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। पर हाँ सुन भाई, अगर तूने असलियत किसी को बताने की कोशिश भी की ना, तो आराध्या को हम इतनी तकलीफ देंगे कि तेरी रूह कांप जाएगी। और सिर्फ आराध्या को नहीं सुन भाई, तुलसी को भी और आर्यन को भी, सबको तकलीफ पहुंचाएंगे हम। याद है ना तुझे, हमने सिर्फ सरस्वती को इस घर से निकाला नहीं बल्कि उसकी पति को इतनी परेशानी दी कि आज तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, रोजी रोटी कमा नहीं सका। याद रख सुन भाई, अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो वो तुझे घर से बाहर निकाल देते, तेरी जिंदगी नरक बना देते। तू समझती क्यों नहीं है? या तो ये समझ ले, अगर सुनबाई तुलसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करती ना तो अब्बा साहब उसे मरवा देते और तेरे को भी। आरू मुझे माफ कर दे, तेरी खुशियों से तेरी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे माफ कर दे आरू। आई लेकिन अब्बा साहब से डर कर मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे तुलसी आई ने डर से लड़ना सिखाया है, उसकी परवरिश पर मैं आंच नहीं आने दे सकती। आई प्लीज आप रो मत, मैं अपने तरीके से किसी भी तरह से उसे लॉकअप से निकलवा दूंगी। बस नहीं आरू, आरू तू मन जा। आरू आरू, ए चुड़ैल ताला खोल। तुलसी देखा तूने प्रद्युम्न विद्याधर राव ने क्या किया? और वो बेटी हाँ आराध्या, क्रिकेट की तरह एक ही दिन में रंग बदल दिया उसने। देख ले तुलसी, तुझे छुड़वा कर रहूंगी मैं यहाँ से, गिन गिन कर बदला लूंगी मैं सबसे, किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रद्युम्न विद्याधर राव को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। ले जाओ इस औरत को यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। तुलसी ए स्वर्ग, तुलसी तेरी आई उगम है, तुझे बचाने के लिए आई हूँ मैं। बचाना नहीं आता इसे इंस्पेक्टर, सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी आती है। स्वर्ग, इसे फिर बदला लेना आता है। पूछो इसने क्या किया, इसे पूछो कैसे दो माओ को अपने बच्चों से अलग किया है इसने। अपने जख्मों से ज्यादा मुझे इसकी शक्ल देके पीड़ा होती है। ले जाइए इसे यहाँ से। तुलसी तू समझ क्यों नहीं रही है? तुझे पता है वो लड़की ने क्या किया है? आराध्या ने तुझे यहाँ जेल में बंद करवा कर रखा है। इल्जाम लगाए तुम पर कि तूने उस पर अत्याचार किया। देख लिया उस लड़की को, और नमक हरामी किया रे हमारे साथ। कुछ भी बोलने जा रही है ये औरत इंस्पेक्टर। एक काम कीजिए, इसे बस यहाँ से मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, इसे हटा दीजिए यहाँ से। आराध्या ऐसा नहीं कर सकती। अरे आराध्या ने ऐसा किया है, देख उसने तुझे जेल में डाल दिया सड़ाने के लिए, खुद वहाँ बैठी है हवेली में पलंग पे अपनी आई के साथ। तू कब समझेगी? ए बात करो इसको। तुलसी अरे मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर आऊंगी, तू देख एक एक को छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही है लड़की? अब साहब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, जो कंप्लेन मैंने नहीं लिखवाई है वो वापस लेने के लिए जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, हुक्म है हमारा। अब साहब मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहे मैं आपकी बात मान लूं। मेरी आई वहाँ पर लॉकअप में बंद है, उसे छुड़वाना होगा मुझे। कौन सी आई?
वो गंदा खून, वो देवदासी, वो तेरी आई। बाबा साहब, जिसे आप गंदा खून कह रहे हैं ना, उसने 21 साल मेरी परवरिश की है। अच्छा खून होकर बुरा इंसान होना बेहतर है या बुरा खून होकर अच्छा इंसान? देखा सुन भाई, इस एहसान फरामोश लड़की की सिफारिश कर रही थी तू, हो ना? गलती कर दी हमने, इसे इस घर में रहने की इजाजत दे दी हमने, भूल गए हम 21 साल की गंदी परवरिश के बाद राव खानदान का खून तो बचा ही नहीं होगा तेरी जबों में, इसलिए कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? आवा साहब, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तब भी सच्चाई बदलेगी नहीं, आपका और जो मेरा रिश्ता है वो बदलेगा नहीं। अच्छा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। मैं अपनी आई को बचाना चाहती हूँ, उसे लॉकअप से रिहा करवाना चाहती हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं आपसे बात करूँ? इंस्पेक्टर, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? इंस्पेक्टर, एक बार समझाना तेरे को, इस केस में बेल नहीं हो सकता है, फिर काय को खाली पीली हंगामा खड़ा करके रखा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरी आई ने कुछ भी नहीं किया है, और आराध्या भी आ ही रही होगी, सब कुछ साफ हो जाएगा इंस्पेक्टर। अरे उसको तो इतना भी नहीं पता कि उसके नाम से किसी ने कंप्लेन लिखवाई है। चलिए कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, बस थोड़े ही वक्त की बात है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप किसके इशारे पर यह सब कर रहे हैं। आराध्या आती होगी, एक मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। अपनी आंख बंद करके भरोसा मत कर उस लड़की पर। हाँ, आंख बंद करके मैं आराध्या पर भरोसा करता हूँ। जब वो आकर कंप्लेन वापस लेगी तब आपको भी भरोसा हो जाएगा। तू अपने जैसा मत समझ सबको, राव खानदान के खून के बारे में मैं अच्छी तरह जानती और पहचानती भी हूँ, तेरे से ज्यादा। अच्छा, हवेली से यहाँ पुलिस चौकी तक इतनी देर लगती है, तेरे को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। हाँ, आई क्यों नहीं वो लड़की अभी तक? चलो उठो और निकलो यहाँ से, जब बेल के पेपर हाथ में आए ना तब बात करना। वो क्या रहा है यहाँ पर? मैडम, देवा कृष्णा ने तुझे भेज दिया। क्या नाटक कर रही है इंस्पेक्टर, कब से? मैडम, आप तो कल आने वाली थी। दामिनी जी, इन्होंने आई को, आराध्या को, यानी कि अपनी बहू को टॉर्चर करने के इल्जाम में अरेस्ट किया। मैडम, उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई गई है, और जब तक कंप्लेंट वापस नहीं होती हम सस्पेक्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? एफआईआर दर्ज की तुमने? नहीं मैडम, वो मैं इनकी बहू आराध्या के आने का इंतजार कर रहा था, उनकी साइन होते ही एफआईआर लिख लेता था। बिना रिटन कंप्लेंट तुम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्या इतना भी कानून पता नहीं है तुम्हें? और आराध्या इनकी बहू साबित होने के बाद वो लड़की एक दिन भी अपनी सास के साथ नहीं रही, तो फिर इन्होंने टॉर्चर कब किया उसे? मैं सब जानती हूँ किसके इशारों पर पंख फड़फड़ा रहे तुम्हारे, तुरंत रिहा करो उन्हें। जी मैडम, सुनो, रिहा करो उन्हें। चलो उठो। खून का रिश्ता सुई का धागा नहीं होता, जिसे जब चाह तोड़ दिया। बहुत ताकत होती है उसमें। अपनी आई को बाहर निकालने के लिए ये कितना बेचैन हो रहा था। तेरा बेटा, मेरा नाती। थैंक यू काका, चलिए चलो आई, आराम से आई। आराध्या,
काका आई आई को सुनो। राधिया कहाँ थी यार राधिया तुम? हाँ कब से वेट कर रहा था मैं, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? हाँ कहाँ जा रही हो? बाय द वे हाँ आई रिलीज हो गई है, दामिनी जी आकर यू नो उन्होंने, बाय द वे तुमने दामिनी जी को इन्फॉर्म किया ना आई के बारे में? राधिया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? केस वापस लेने आई हो ना तुम? आर्यन बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? अरु हम मैं और आर्यन तो पहले से ही जानते थे, तू कभी मेरे बारे में शिकायत कर ही नहीं सकती, किसी और की चाल है ये क्यों करेगी ऐसा? अरु गलत समझ रही हैं आप, मैं आपको यहाँ से रिहा करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस देखने आई थी कि आप कितना तड़प रही हैं। राधिया पागल हो गई हो क्या? हाँ पता है किससे बात कर रही हो तुम? हाँ अरे जानती हूँ, तुम्हारी आई से बात कर रही हूँ जो एक देवदासी है, और देवदासियों के साथ ना ऐसा ही सलूक करना चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं था, बस आगे आगे देखते जाना, तुम लोगों का ना जीना हराम करके रख दूंगी मैं। रुक, तुम देवदासियों ने आज तक बहुत परेशान किया हमें, हमारा सुख हमारा चैन हमारा गुरूर हमसे छीन लिया, अगर तूने उसे जेल से बाहर निकाला वहीं के वहीं मौत के घाट उतार देंगे हम उसे। अब तू ही सोच किस हालात में देखना चाहती है तू उसे, हवालात के अंदर जिंदा या हवालात के बाहर मुर्दा? अगर हमें पता चला ना लड़की तूने उसे जेल से बाहर निकाला है तो आज फरिश्ते भी नहीं आएंगे उस देवदासी की जान बचाने। इतना कच्चा था हमारा रिश्ता, इतना कच्चा था हाँ कि एक दिन में टूट जाएगा। कच्चा नहीं झूठा भी था, और झूठे रिश्ते ना इसी तरह से टूटते हैं। क्या बुनियाद थी इस रिश्ते की बताइए मुझे, क्या बुनियाद थी हमारे रिश्ते की? बाबा साहेब की फैमिली से उनके परिवार से बदला लेना चाहते थे ना आप लोग, क्या किया? बच्चे बदल दिए गए, उनकी आयु से अलग रखा उन्हें 22 बरस तक, हो गया ना बदला पूरा? इस तरह के रिश्ते इसी तरह से टूटते हैं, इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते, दिल पे पत्थर रखे तोड़ने पड़ते हैं, टूट गया भी ये रिश्ता। ए! आराध्य प्रद्युम्न विद्याधर राव, तेरा तो असली में खून बात करने लग गया रे। हाँ एक ही झटके में भूल गई मेरी बेटी ने तेरे लिए क्या क्या किया, आई जितना प्यार किया इतनी ममता दी, और इनसे कहो ये चुप रहे। अरु तू तू ऐसा क्यों कह रही है? ये तेरी भाषा नहीं है बेटा, ये आबा साहेब की भाषा है। मुझे लग रहा है आबा साहेब ने तेरे मन में हम सबके लिए जहर भर दिया है। तू कोई जहर नहीं घोला है मेरे आबा साहेब ने मेरे मन में, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना वो मैं अपने दिल से कह रही हूँ, और अब माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे असली परिवार के साथ, मेरे बाबा मेरी आई मेरी बहन सब मिल गए मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी है, प्लीज मुझे अलग रहने दो। आप इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, क्या कुछ नहीं किया इसने, मेरी नीलामी करवाई, मुझे कृष्णदासी तक बनवाया, और अच्छा ही हुआ मेरे माथे पर अब देवदासियों का कलंक नहीं रहेगा,
माथे पर देवदासी का कलंक लगाकर समाज में रहना कैसा होता है ये तो आप जानती हैं ना। अब प्लीज ना ही मेरी शक्ल देखना और ना मुझे अपनी शक्ल दिखाना, समझे आप लोग? कोश्मा भैया तुम क्या बोल रही हो? कल तक तेरी आई थी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, सारी दुनिया से लड़ती थी तुम, पता नहीं एक दिन में तुम ऐसे कैसे बदल गई। किसकी आई आर्य? किसकी आई? जिन्हें आई कहना था वो तो हक हमें मिला नहीं, 22 बरस तक हम अपनी आयों से दूर रहे हैं, किसके कारण? इन्हीं लोगों के कारण, इन्होंने किया है ये सब। और तुम कब से इनकी तरफदारी करने लग गए, कब से इनका पक्ष लेने लग गए? क्या जादू कर दिया इन देवदासियों ने तुम पर? अगर तुम अपने परिवार का पक्ष ले सकते हो, इनकी साइड ले सकते हो, तो मैं भी अपने परिवार के लिए खड़े हो सकती हूँ। अपने परिवार की अपनी फैमिली के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुन रही, जैसे तुम नहीं सुन रहे हो, समझे तुम? और अगर इतनी बड़ी है अपनी आजी और आई की, तो लेके जाओ इनको पूना। वहाँ पे बस जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? आज के बाद से मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी है। दोनों परिवार इसी तरह से शांति से रहेंगे, समझे? मत गिड़गिड़ा, खुद घर के सामने। चलो देवा रे देवा, क्या देखने को मिला आज, विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस पौधे को खून पसीने से सींचा इतने साल, हाँ आज एक ही दिन में इतने सारे कांटे उग गए देवा रे देवा, हाँ एक ही झटके में। गुस्सा सच्चा होता तो बात बदले तक ही रहती, कृष्णदासी नहीं, कृष्णदासी नहीं, देवदासी कहा उसने, कलंक कहा हमको। कृष्णा क्या देखने को मिल रहा है ये? हाँ मुझे तो पता था ये जिस दिन पता चलेगा ना तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन बात यहां तक पहुंचे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं। देवदासी का देवा, कृष्णा तेरी लीला जो है ना समझ में नहीं आ रही। अरु मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ चुपके से आ गई। मैं जानती हूँ कि आजमा ने तुझे कितना मजबूर किया, तू ठीक तो है ना? अरु भाई को सॉरी बोलना चाहती थी मैं, कितना कुछ कह गई मैं उससे। भगवान ना करे कि ऐसा दिन किसी भी लड़की की जिंदगी में आए जब उसे अपनी आई से इतना कुछ कहना पड़े। अब चाहे वो आई जन्म देने वाली हो या फिर पालने वाली। एक आवो मेरी बात सुन, पहले तो रोना बंद कर, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ
बहुत तकलीफ भी हुई होगी ना तुझे, लेकिन तू ये सोचकर खुश हो कि आज तुलसी आंटी सिर्फ तेरी वजह से रिहा हुई है। अगर तू दामिनी जी को फोन नहीं करती ना, तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। दामिनी जी, इस वक्त मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट प्लीज प्लीज मेरी आई को रिहा करवा दीजिए। मैंने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई है, आपके ना होने का ना आबा साहब ने फायदा उठाया है। बस प्लीज प्लीज दामिनी जी, आई नीड योर हेल्प। आराध्या तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में कृष्णावती पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। मेरे होते हुए किसी को भी झूठे इल्जाम में मेरे पुलिस स्टेशन में कोई बंद नहीं कर सकता। और हाँ, जो भी मैंने आपसे कहा है ना, इसके बारे में किसी को ना पता चले प्लीज, वरना आप जानती है कि इसका परिणाम क्या होगा। मेरी आई की जिंदगी का सवाल है दामिनी जी। तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। तूने अपना फर्ज निभाया, चाहे दुनिया वालों को लगे कि तू बदल गई हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना सच्चाई क्या। अब रोना बंद कर, हम घर चलते। कैसे फेस करूंगी मैं, कैसे माफी मांगूंगी मैं इसे, क्या कहूंगी उससे। आराध्या ऐसा नहीं कर सकती, ये जरूर उस उल्टी खोपड़ी प्रद्युम्न विद्याधर राव का खेल होगा। देवा रे देवा, किस सोच में पड़ गई तू कुमुदिनी, अब कोई नई चाल चलने की सोच रही है क्या तू? हाँ, क्या कहा था रे तूने उस दिन? सोच प्रद्युमन, सोच, खून बड़ा होता है या परवरिश, यही बोला था ना तूने? फिर कहाँ गई रे तेरी 21 साल की परवरिश? एक लड़की को तू ले गई 21 साल पहले, उसको बड़ा किया, संस्कार दिए, परवरिश की उसकी, आज एक सेकंड में तेरे मुंह पे थूक के गई रे। प्रद्युम्न विद्याधर राव, उम्र से बड़ा हो गया रे तू, अक्कल से नहीं। तू हमेशा कहा करता था ना, हाथी ऐसे चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, याद है? अब भौंक, जितना भौंकना है भौंक ले प्रद्युम्न विद्याधर राव। तुझे तो हमेशा ही लगता है ना कि खून बड़ा है और परवरिश नहीं। हाँ चल, तेरे भाषा में ही बात करती, वो लड़का जो है आर्यन, कल तक तू उसे क्या क्या मानता था? मेरा वाघ, मेरा जिगर का टुकड़ा। क्या हुआ, एक ही सेकंड में मेरा नाती बन गया वो? हाँ, जब तक तेरे साथ था ना तेरे घर में, तब आबा साहेब का पोता कहलाता था। अब क्या कहलाता है वो? महाराजा केशव प्रताप सिंह का वारिस। तू भूल जाती है क्या रे, तुम देवदासियों के बच्चे नाजायज होते हैं। और रही बात तेरी राजा महाराजा, तो ये राजा महाराजा कब के खत्म हो गए रे देवदासी कुमुदिनी? अब इस कृष्णावती के राजा महाराजा हम हैं। तो देख अब तुझे कैसे कैसे और कहां कहां नचाते हैं हम। तू भी यहां और मैं भी यहां, देखते हैं ना कौन किसको नचाता है। आई जन्म से लेके अब तक तू ही मेरी आई है,
मेरी बदनसीबी देख, कितना कुछ भूल गई मैं तुझे, कितना बुरा बुरा बोल दिया ना, बेबस थी मैं, मजबूर थी, क्या करती। मैं जानती हूँ कि तू भी बहुत टूट चुकी होगी, पता नहीं कैसे झेल रही होगी ये सदमा। मेरा मन कर रहा है ना कि मैं उड़ के आ जाऊं तेरे पास आई और सब कुछ सच सच बता दूं, तुझसे मैं जितना प्यार पहले करती थी उतना ही तेरी आरू अब भी तुझसे प्यार करती है। I'm sorry, I'm really sorry. को फोन कर रही है लड़की, किसी को नहीं आवाज है। आई, कितनी लापरवाह है तू, आज ही बोलती है ना, वेंदड़ी है तू, ध्यान ही नहीं रख, चुपचाप बैठ, मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। आई, तू भी ना बच्चों की तरह हरकत करती है, इतना भी नहीं समझती कि गिरेगी तो चोट लग जाएगी, क्या जरूरत थी स्टूल पे चढ़कर इस तरह से मेरी अलमारी साफ करने की। अब हिलना मत, कभी कभी लगता है कि मैं तेरी आई हूँ और तू मेरी बेटी। आई गो तेरे मेरी माँ, सॉरी। इतनी कस के कोई पट्टी बांधता है क्या रू? इससे ऐसी पराई हो गई तू अरु, कैसे एक ही घाव में दो टुकड़े कर दिए तेरे, कलंक कह दिया मुझे। ऐसा कह ही नहीं सकती अरु, कभी नहीं ऐसा कह सकती, किसी ने मजबूर किया है तुझे, क्यों कहा चली जाए यहां से, नहीं जाऊंगी, इंतजार करूंगी मेरी अरु को फिर से उसी रूप में देखने का, तुझे गले लगाने। आराम से अब बैठे ना। मुझे पता है कि आप ये शब्द आई हरू के मुंह से सुनना चाहती है, पता भी नहीं है मुझे ये अधिकार है आपको आई कहने का या नहीं। ऐसा नहीं है आर्यन, तुझे पूरा हक है मुझे आई कहने का, तू बेटा है मेरा, मेरी आई ने तुझसे ये हक छीना था, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। आज हमारी आराध्या को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो हमारी आराध्या है ही नहीं, पर दिल कहता है कि जो सुना है जो देखा है वो सच नहीं आई, वो हमारी आराध्या हो ही नहीं सकती है, पर दिमाग कहता है कि जो सुना है जो देखा है वो सच था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करो, दिल की बात पर या दिमाग की बात पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अरु से इतना नाराज है कि तुम दोनों का रिश्ता ही टूट गया, तू उसकी जिंदगी है आर्यन और वो तेरी, मैं भी प्यार करता है ना उससे। करता हूँ भाई, पर आज से नफरत भी करने लगा हूं। आपने जैसा भी कहा मैंने वैसा ही किया,
अब क्या कसर रह गई आपस है? अब तो वो लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। नफरत करते हैं मुझसे, और अच्छा ही है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ए लड़के, किसके लिए क्या अच्छा है किसके लिए नहीं, ये हम तय करेंगे, तू नहीं। आज जो तूने किया वो सिर्फ एक झलक थी, आगे जाके तुझे उस परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। एक बात बताने आए हैं, कल के दिन हर साल इस घर में एक जश्न मनाया जाता है, आर्यन का जन्मदिन होता है। आप आर्यन का जन्मदिन मनाएंगे? पागल हो गए क्या? नाम भी मतलब उसका, तो तेरा भी तो जन्मदिन है, भूल गई क्या? एक ही दिन पैदा हुए थे ना तुम दोनों। तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, सिर्फ याद रख, कहीं ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारा सर झुक जाए, वरना हमारा कहर दोबारा उस परिवार पर बरसेगा। जिसे प्यार करते हो उसी से नफरत करते हैं ना इंसान। जो है बहुत चोट पहुंचाई उसने आपको आज, एक दिन में ऐसा लगा कि आवाज़ इसे सोचने लगी। देवदास ही कहां आपको, शिकायत की जेल भिजवाया, अगर एक पल के लिए मान भी लेंगे ना कि उसे मजबूर किया किसी ने, फिर भी वो दोषी है। बड़ी बड़ी बातें करती थी, सही के लिए खड़ा होना, ये करना वो करना, बहुत जद दिखाती थी, आज क्या हो गया उसे? सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल से जिस आई ने उसे पाला है, एक दिन में इतनी नफरत कहां से पैदा हो गई उसके दिल में? पता नहीं, मुझे पता करना भी नहीं, मुझे बस मेरी अरु वैसे ही पहले जैसी चाहिए, बस। मुझे लगता है कि वो अब नहीं होगा, वो बदल गई है।